अपोस्ट्रॉफी बेसिकली अपोस्ट्रॉफी इज अ पंक्चुएशन मार्क, एक पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है, और उसका उसकी जो शेप होती है वो इस तरह होती है, पंक्चुएशन मार्क होता है, और हम लोग इसको यूज करते हैं, यूज टू इंडिकेट आइदर पोजेशन, पोजेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं, और जो सेकंड यूजेज है वो इसका ये है, ओमिशन ऑफ लेटर, ओमिशन ऑफ लेटर की जहां से आपने सपोज दैट कोई लेटर स्किप करना होता है तो वहां पे हम लोग एक अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, बट हियर यहां पे इसका जो यूज है वो है पोजेशन को शो करता है, जैसे कि द गर्ल्स डोज सेट, ठीक है, अब पोजेशन किसकी शो हो रही है, गर्ल्स की शो हो रही है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर अपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द गर्ल्स, और एक और बात कि जब प्लूरल वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग एस ऐड करते हैं और एस के बाद हम इसकी अपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे, ठीक है, तो ये इसकी पोजेशन शो कर रहा है, किसकी शो कर रहा है, गर्ल्स की शो कर रहा है, और दैट्स व्हाई वी हियर वी पुट हियर अपोस्ट्रॉफी। द सेकंड सेंटेंस इज द बॉयज ट्रेन, अब यहाँ में भी ये प्लूरल है, ठीक है, उसके एंड में एस लगाया और एस के बाद हमें अपोस्ट्रॉफी लगाया, द बॉयज ट्रेन सेट, इसकी पोजेशन शो कर रहा है बॉयज की, वो किसका है, बॉयज का है, ठीक है, उसके बाद थर्ड वन सेंटेंस इज द हनी बीज हाइव, ये भी प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर एट द एंड ऑफ दिस वर्ड एस और एस के बाद अपोस्ट्रॉफी आ गई, एंड द लास्ट सेंटेंस इज द फ्रेंड्स पार्टी, फ्रेंड्स के बाद हमने अपोस्ट्रॉफी लगाई बिकॉज फ्रेंड्स भी प्लूरल में है, जस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स या फ्रेंड्स पार्टी, तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक वन यूनिट कंप्लीट होता है।